हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दवाइयों की ऑनलाइन हो रही सेल को लेकर दवा विक्रेताओं में खासी नाराजगी। इसको लेकर कई दफा वह आला अधिकारियों से मिले, लेकिन मामला सिफर रहने के बाद केमिस्ट एसोसिएशन ने 24 घंटे दुकानों को बंद रखने का ऐलान किया है। जोधपुर केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश दरियानी ने बताया कि ऑनलाइन दवाई बेचना गैरकानूनी है और यह ड्रग्स एक्ट का उल्लंघन है। बगैर डॉक्टर की पर्ची की यह दवाई कैसी बेची जा रही है? कई दवाइयों पर तो बैन लगाया गया है, लेकिन ऑनलाइन यह सब दवाई उपलब्ध है। 27 सितंबर रात 12 बजे से शुरू हुई देशव्यापी हड़ताल के दौरान आज शहर की सभी मेडिकल की दुकानें बंद रही। बंद को सफल बनाने के लिए पदाधिकारी दुकानों पर संपर्क कर रहे हैं। मरीजों को परेशानी न हो इसके लिए एसोसिएशन की ओर से एमजीएच अस्पताल के अंदर स्थित मेडिकल शॉप खुली रखने का निर्णय लिया गया है। 28 सितंबर सुबह 9 बजे से सारे मेडिकल मार्केट में शांतिपूर्वक दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार पूरे देश में ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री का प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। सरकार के इस फैसले से देश के केमिस्ट बर्बाद हो जाएंगे। देश में इस उद्योग से जुड़े हुए 1 करोड़ लोग बर्बाद हो जाएंगे। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना होगा। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।